तो क्या इन आपके कटर पर सब्सिडी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हर कृषि यंत्र पर सब्सिडी है। वो मशीन कितना गीला निकाल सकती है आपका कटर, जो मशीन कितना गीला निकाल सकती है? सपोज करो कभी बारिश हो गई है, उसमें भीजा हुआ है जी, तो भाई किसान भाइयों को बड़ी समस्या आती है, रुक जाता है, गीला टूटता भी है, तो उसके लिए एक अलग मॉडल हमने बनाया हुआ है गीले सूखे वाला। यदि इसमें ज्यादा मुठ्ठा लगा देती है तो आपका थ्रेसर बंद तो नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कितना ही मुठ्ठा लगाओ, कितना भी लगाओ, नॉन बस लेबर में दम होना चाहिए लगाने के लिए। बस ये हमने नीचे से दिया है और चौड़ा दिया है, जिससे कोई भी महिला या कोई बच्चा है या कोई भी बंदा यहाँ से देगा तो वो सीधा जाएगा और ज्यादा जाएगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकालेगा जी। आपका ये है, किसी किसान भाई पर दो ट्रैक्टर है, किसी के चक्कर है 1040, किसी का है 540। अब उनको फिर बार बार में कौन पुली बदलेगा? तो ये हमने नोवेल्ट की लगाई है, इसमें आप किसी भी RPM का ट्रैक्टर हो, किसी भी किसान भाई पर, कितनी भी हो, एक ही थ्रेसर वही इसी में काम करेगा। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मल्टी क्रॉप कटर दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी सभी फसलों को निकाल सकते हैं। आपका धान हो गया, गेहूँ हो गई, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जितने भी प्रकार की फसलें होती हैं उन सभी को मात्र आप एक कटर से निकाल सकते हैं। और क्या इस कटर की क्वालिटी रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और किसान दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बजरंग इंजीनियर वर्क्स भरतपुर के अंदर। तो कैसी है ये कंपनी? तो सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप मेरे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। सर, सर मेरा नाम रोहित है जी, मैं बजरंग इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑनर हूँ जी, और ये अपनी भरतपुर राजस्थान में पड़ती है। तो जैसे ही आगरा से की तरफ से अगर आप लोग आते हो जी, तो भरतपुर में जैसे ही इंटर करोगे तो शास्त्री पार्क घने के बाजू में मुड़ते ही पहली फर्म हमारी ही पड़ेगी जी, जो कि बजरंग इंजीनियरिंग जी। कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? सर हमें 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। लगातार। और क्या क्या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाते हैं या बस कटर ही बनाते हैं? कटर भी बनाते हैं, कुट्टी मशीन भी बनाते हैं, कल्टीवेटर भी बनाते हैं, ट्रॉली भी बनाते हैं। मोटा फोकस हमारा कल्टीवेटर का, कट्टों और कुट्टी मशीन का और थ्रेसर का ही है जी। कल्टीवेटर कैसे वाले बनाते हैं? कल्टीवेटर टांग वाले बनाते हैं, जो हमारे 11 टांग के और उसके जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में अपने किसान भाइयों से कहा था, किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मल्टी क्रॉप कटर दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी सभी फसलों की निकासी कर सकते हैं। यह बात कितनी सच है? बिल्कुल पूरी, बिल्कुल सच है जी। सभी फसलों को निकाल सकता है? गेहूँ निकालो, चना निकालो, बाजरा निकालो, सरसों निकालो, दाल निकालो, डॉलर चना निकालो, धनिया निकालो, सारी चीजें। धनिया भी निकाल देगा? निकालेगा। तो जैसे कि मेरे एक बात तो समझ में आती है, मेरा किसान भाई जैसे गेहूं हो गया उसे पीछे से यहां से रख सकता, धान हो गया उसे रख सकता, अब बात आती है मक्का की, यदि वह मक्का इसमें गिरेगा वो तो पीछे जाएगी। उसके लिए सर ये हमने हॉपर सिस्टम बनाया, देख सकते हैं किसान दोस्तों। तो मक्का जो है बिल्कुल भी आपका जो है घुंटा भी बाहर नहीं आएगा, उसके लिए इन्होंने अलग से एक होपर दे दिया है। तो एक ही कटर में जो है आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो सर अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में, कैसी क्वालिटी आप अपने इस कटर में दे रहे हैं? सर पूरी हैवी मशीन है ये जी। हाँ, इसमें जो हमने चादर लगाई है वो 4 mm मोटाई की है ये जी। ये जो टॉप है ये 4 mm मोटी होती है, 4 mm साइड में जो होता है ये 12 gauge। अच्छा, 12 gauge में भी एक 55 किलो का आता है, एक 63 किलो का, हम जो लगाते हैं वो 63 किलो। और उसके अलावा ये ISI मार्का वाली, देखो ये मोहर आपको दिख रही होगी, देख सकते हैं किसान दोस्तों आप, हम जो चद्दर भी लगाते हैं वो मोहर वाली लगाते हैं जी, जिससे कि कोई कंपनी की, जिससे कि कोई यानी कि पीछे दिक्कत ना आए जी। और उसके अलावा ये डबल फैन है, सिंगल फैन भी बनाते हैं जी, डबल फैन है। हाँ जी। और अब मैं बात करता हूँ जैसे कि आपकी है इसमें छन्ना जो लगा हुआ है, यह किस क्वालिटी का लगा हुआ है? ये 0.5 mm का लगा हुआ है। 0.5 mm का जी। और यहाँ से जो है मेरे किसान भाई का अनाज आएगा? अनाज आएगा, बिल्कुल साफ निकलने वाला है। अब जैसे धान हो गया, ऐसा तो नहीं है धान को तोड़ने लगे? नहीं सर, उसकी गारंटी हमारी रहेगी। गारंटी रहेगी आपकी पूरी? पूरी। अगर तोड़ने लगा तो फिर क्या होगा? सर हम सही करके देंगे। तो मेरा किसान भाई जैसे इसे ले जाता है फिर दोबारा आपके पास आएगा, परेशान होगा, या आप उसके घर पर ही? वहीं पे, घर पर ही सर्विस? समाधान। हाँ, मेरा मतलब आपका कहने का मतलब यदि आपके इस कटर में कोई भी दिक्कत आती है तो आपका मैकेनिक जो है वो बिल्कुल किसान भाई के पास जाएगा। तो सर मेरी जितनी सोच है कि मैं जितना यानी बनाता हूँ तो मेरी मशीन में कोई दिक्कत है ही नहीं जी। सपोज करो कोई किसान भाई चलाना ही नहीं जानता है, उसको दिक्कत आती है, तो उसके लिए फिर हम बंदा वहीं पहुँचा देते हैं, वो एक बार दो बार उनको समझाया आएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं जी। नहीं तो आप प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं कि मेरे किसान भाई को कोई दिक्कत आने दिक्कत आएगी नहीं जी। और मैं बात करता हूँ जैसे कि आगे से इसके, किसान दोस्तों देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके पुली के बारे में। तो जैसे कि आपने इसमें 3-3 पुली लगा रखी है, तो इसके पीछे का कारण रहा? नहीं तो ज्यादातर
कटर में थ्रेसर में एक ही पुली लगा देते हैं सर, उसका ये है किसी किसान भाई पे दो ट्रैक्टर है, किसी के चक्कर है 1040, किसी का है 540, अब उनको फिर बार बार में कौन पुली बदलेगा। तो ये हमने नौ बेल्ट की लगाई है, इसमें आप किसी भी आरपीएम का ट्रैक्टर हो, किसी भी किसान भाई पर, कितनी भी हो, एक ही थ्रेसर वही उसी में काम करेगा सभी ट्रैक्टरों में जी। सबसे बड़ा फायदा ये है जी, उसमें पुली। और फिर उसके बाद हमने ये सेफ्टी फीचर दे दिया इसमें जी, देख सकते हैं किसान दोस्तों आप, किसान भाई की सेफ्टी का भी जो इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। इधर भी सेफ्टी फीचर दे दिया, ये जो बैलेंस व्हील है ये अलाइड कंपनी का है जी, और इसका भी हमने ये देखो सेफ्टी के लिए ये भी लगाया हुआ है जी। और अब जैसे कि आपने यह काम बहुत बढ़िया कर दिया कि मेरे किसान भाई को बार बार पुली बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। कोई भी ट्रैक्टर है, कैसा भी है, कितने भी आरपीएम का है, कोई भी चलाओ, कभी भी चलाओ, सिर्फ बेल्ट यहाँ से थोड़ा सा चेंज करो और चलाओ जी। और आपने इधर ये जो लगाए हैं ये किस क्वालिटी के लगाए हैं? ये सर पूरा हैवी माल है, पूरा हैवी माल पूरा, है कोई कितना भी इसका क्या यूज है इसका? ये सर बेल्ट का है, ये अपना टाइट करने का, ये जो बेल्ट जैसे चलती है तो थोड़ी बहुत ढीली हो जाती है, जैसे चैन अपनी मोटरसाइकिल की ढीली हो जाती है तो उसके लिए टाइट न रहे, यदि बेल्ट ढीली हो जाए तो यहाँ से मेरा किसान भाई टाइट कर सकता है। तो यह भी आपने काफी बढ़िया फीचर से इसमें दे दिया है, और दो फैन का आपका यही बताया गया है। तो भूसा कैसे निकालने वाला है? भूसा आप जैसा चाहो वैसे, वो तो हम उसी स्पीड से इसको कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि ये जो गियर बनाया हुआ है ये 5 जॉइंट का है जी। 5 जॉइंट 3 स्पीड ट्विंकल कंपनी का है दोस्तों आप। तो इसमें जो स्पीड दी हुई है ना वो उसी हिसाब से दी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको जैसा भूसा चाहिए उसी हिसाब से ये स्पीड के हिसाब से वहाँ से कंट्रोल करके आपको भूसा देगा जी, क्योंकि उसी हिसाब से ये काटेगा उसी हिसाब से भूसा देगा जी। और अब मैं बात करता हूँ, आपने यह जो लगाया इस पर लगभग कितने आदमी? 20 आदमी चढ़ जाओ, 25 चढ़ जाओ, कुछ 20-25 कितने चढ़ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। क्वालिटी दे रही है इसका मतलब आपके? बिल्कुल बिल्कुल सर, 14-16 का हेड है ये जी। तो आपने जो हेड दिया है इसका, यह भी काफी चौड़ा दे दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा आपका? सर क्योंकि बार बार में जब मूठा जब देते हैं ना किसान, तो एकदम इस पर बंद हो जाता है ये, चढ़ जाते हैं सभी लोग, इसलिए हमने नीचे से दिया है और चौड़ा दिया है, जिससे कोई भी महिला या कोई बच्चा है या कोई भी बंदा यहाँ से देगा तो वो सीधा जाएगा और ज्यादा जाएगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकालेगा जी। आपने इसमें बेल्ट लगा दिए जिससे कि मेरे किसान भाई को बस मुट्ठा यहाँ पर रखना बस। है बेल्ट अपने आप उसे अंदर ले जाएगी, ले जाएगी। और बात आती है जैसे मेरा किसान भाई जो लेबर होती है, किसान भाई लेबर को रखता है, यदि वह इसमें ज्यादा मुट्ठा लगा देती है तो आपका थ्रेसर बंद तो नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कितना मुट्ठा लगाओ, कितना भी लगाओ, नॉन बस लेबर में दम होना चाहिए लगाने के लिए बस जी। और किसान दोस्तों आपकी क्वालिटी देख लीजिए, थ्रेसर की काफी बढ़िया क्वालिटी है। कितने एचपी का ट्रैक्टर से चला सकता है? 35 HP 2 है, 35 HP से स्टार्ट है, 60 HP 45 कोई भी है, 35 HP कम से कम चाहिए, कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए जी। तो किसान दोस्तों आपको इस कटर के लिए मात्र 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए। अब आपकी कंपनी जो है वह यही मॉडल बनाती है और अन्य मॉडल भी बनाती नहीं, है? बनाती है ना, एक तो गीला सूखा भी है, सिंगल फैन भी है, डबल फैन भी है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। मतलब गीला सूखा भी निकाल सकते हैं वो मशीन? कितना गीला निकाल सकती है आपका कटर जो मशीन, कितना गीला निकाल सकती है? सपोज करो कभी बारिश हो गई है, उसमें भीजा हुआ है तो भाई किसान भाइयों को बड़ी समस्या आती है, रुक जाता है, गीला टूटता भी है, तो उसके लिए एक अलग मॉडल हमने बनाया हुआ है गीले सूखे वाला, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है। आपकी जैसे जैसा भी हो आपका गीला सूखा सब निकालेगी वो जी। हाँ, जब किसान भाई के जैसे धान कटे हुए हैं ऊपर से बारिश पड़ गई, किसान भाई का नुकसान हो जाता है काफी, और फिर वो गीले निकलते भी नहीं, और निकलवा लेता है वो टूट जाते हैं। तो जो आप गीले वाला मॉडल बता रहे हैं कि गीले फसल भी निकालेगा, तो वह धान उनको तोड़ेगा तो नहीं? नहीं तोड़ेगा, बिल्कुल साबित निकालेगा, उसकी सबकी मेरी गारंटी। आपकी गारंटी है? फुल गारंटी पूरी। अब बात करता हूँ मैं, आप कितने साल की गारंटी या वारंटी देने वाले हैं? सर पूरे 1 साल की गारंटी। पूरे 1 साल की गारंटी, वारंटी ना देके गारंटी? गारंटी। यदि उसके अंदर कोई भी पार्ट्स खराब होता है, पहली बात तो होगा नहीं, आपने क्वालिटी बोली है, यदि 1% या बाई चांस हो जाए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे किसान भाई को सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल सर। और किसान दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बजरंग इंजीनियर वर्क्स भरतपुर, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है वो भी दे दिए गए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे, आप अपना एक बार मोबाइल नंबर और बता दीजिए जिससे कि मेरा किसान भाई आपको संपर्क कर सके, और एक बार अपना पता बता दीजिए। सर मोबाइल नंबर है 6350-693-790 जी, दूसरा है 7014-54-41-04। और जैसे ही आप आगरा की तरफ से आओगे तो पहले ही टर्न पर सारस चौराहे के बाद में आपका पड़ता है शास्त्री पार्क जी, घना वर्ड सेंचुरी, उसके पहले ही राइट टर्न पर जो फर्म पड़ेगी वो अपनी पड़ेगी बजरंग इंजीनियरिंग वर्क्स जी, ये अपना एड्रेस है। और अब मैं बात करता हूँ उसमें टायर की, तो टायर किस क्वालिटी के दिए हैं आपने? टायर सर हम अपने हिसाब से तो हम फ्रेश टायर देते हैं, पर देते हैं पुराने, अगर किसी किसान भाई को नए चाहिए तो जो हमारी कॉस्ट होती है टायर की वो कम करके वो अपने हिसाब से कैसे भी ला सकते हैं, पुराने नए जैसा भी चाहते हैं। और हम जो देते हैं उनमें
जैसे हमारे पास कई जोड़े रखे रहते हैं, वहाँ से किसान भाई को पसंद आता था तो वहाँ से चढ़ा के दे देते हैं। जी, आपका कहने का मतलब है मेरे किसान भाई को जो आप टायर लगाते हुए पसंद आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे जो भी टायर लगवाने हैं, नए लगवाने हो पुराने लगवाने हो, वो ले आएगा और आप जो है जितने पैसे इनके टायर के थे उसे कम कर देंगे। तो जैसे कि आपका डबल फैन वाला मॉडल है, इसका प्राइस क्या रखा है आपने? सर इसका 2,75,000 विदाउट एलिवेटर। 2,75,000 विदाउट एलिवेटर। एलिवेटर में भी मिल जाएगा ये मॉडल? जी सर। तो उसका प्राइस क्या रहने वाला? एलिवेटर का सर 15,000 और बढ़ जाता है। 15,000 और बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप एक मॉडल और बता रहे थे, गीला सूखा मॉडल जी, जो आपके गीली फसल भी निकालेगी किसान दोस्तों और सूखी फसल भी निकालेगी, उसका प्राइस क्या रखा है? सर उसका 2,90,000। 2,90,000। अब मेरे किसान भाई की एक बात और आती है, जब मेरा किसान भाई कोई भी सामान लेता है तो उस पर सब्सिडी के सोचता है कि सब्सिडी मिल जाए, तो क्या इन आपके कटर पर सब्सिडी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हर कृषि यंत्र पर सब्सिडी है। हर कृषि यंत्र पर? मेरा बीकानेर यूनिवर्सिटी से सारी टेस्टिंग रिपोर्ट है मेरे पास में, और मेरा यूपी बिहार सभी जगह पर चढ़ा हुआ है। कोई भी किसान भाई यूपी बिहार कहीं से भी कोई भी आइटम, मेरा कुट्टा मशीन कटर मशीन कुछ भी लेता है, सब पे सब्सिडी है जी। तो किसान दोस्तों आपको इस कटर पर सब्सिडी भी मिल जाती है और एक साल की जो आपको गारंटी मिल जाती है। काफ़ी हैवी क्वालिटी में जो है यह कटर बनाया गया है और इनके पास आपको गीली फसल निकालनी हो, सूखी फसल निकालनी हो, सभी प्रकार के कटर मिल जाएंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो और कैसा लगा आपको यह कटर, कमेंट कर जरूर बताना। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।